कनाडा में मारे गए गैंगस्टर सुखा दुनिके की हत्या की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है। इसे लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पेज से फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि सुखा, जो खुद को बम्बिहा ग्रुप का इंचार्ज समझता था, हमने उसका मर्डर करवाया है। फेसबुक पर पोस्ट साझा कर बिश्नोई ग्रुप ने कहा कि सुखा ने ही नंगल अंबिया और विक्की मड्डू खेरा की हत्या करवाई है। पोस्ट के अंत में लिखा गया है कि जो बाकी रह गए उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, सबका नंबर लगेगा। सुखा बम्बिहा गैंग का मुखिया बन रहा था। आपको बता दें कि कनाडा के विनिपेग में बुधवार को पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनिके की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले कनाडा में ही खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गैंगस्टर सुखा दुनिके पंजाब में कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा और वो पंजाब छोड़कर मौजूदा समय में कनाडा में छिपा था। सुखा का नाम कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल हत्याकांड में भी शामिल है। कनाडा से ही सुखा ने शूटरों का इंतजाम किया था। सुखा NIA का मोस्ट वांटेड बदमाश था। साथ ही सुखा खालिस्तान समर्थक और आतंकी अर्शदीप सिंह का भी करीबी था। वो कनाडा में बैठकर भारत विरोधी सभी गतिविधियों को अंजाम देता था। सुखा दुनिके का असली नाम सुखदुल सिंह बताया जाता है। वो 2017 में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पंजाब से कनाडा भाग निकला था। गौरतलब है कि सुखा की मौत भी खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की तरह ही हुई थी। निज्जर के भी सिर में 15 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इसे दो गैंगों के बीच जंग का नतीजा माना गया था। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बिना कोई सबूत दिए ही भारत से जुड़े होने के आरोप लगाए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।